Everyone, my name is Trivesh and you're watching my YouTube channel. Most of the times, everyone is having their different point of view, right? Sabka point of view alag hota hai. Sabki opinion alag hoti hai. Aur normal conversation mein, chahe wo official ho, matlab formal ho ya casual ho, we generally share our opinion. Lekin, maine ye cheez notice ki hai, most of the times, जब भी ऐसा कोई point आता है, in that scene, we are supposed to share our opinion, तो एक ही चीज मोस्टली लोग यूज करते हैं, आई थिंक आई थिंक आई थिंक आई थिंक. तो ये ठीक है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, बट यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ लाइक वेरिएशंस इन दिस. ठीक है, ये वेरिएशंस ही होती हैं जो आपकी बात को थोड़ा अलग बनाते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप बिल्कुल ही अलग बोलेंगे, यू आर नॉट श्योर कि सामने वाले को उसका मतलब पता भी है या नहीं है. आई यूजली डोंट एनकरेज सच थिंग्स कि जैसे अगर मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना है तो ब्रेक अ लेग, ठीक है, द फोर्सेस आर विद यू, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि सामने वाले को उनका मीनिंग पता है या नहीं है. ठीक है, सो मोस्टली आई ऑलवेज एडवाइज दीज थिंग्स कि अगर आप किसी बिल्कुल नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हैं, इन दैट सीन यू कैन यूज सच फ्रेजेस, सच लाइन्स. लेकिन अगर आप कहीं नॉर्मल वन टू वन कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने ही किसी फ्रेंड से या कॉलीग से, तो आई ऑलवेज सजेस्ट टू लाइक अवॉइड दीज थिंग्स. ओके, क्योंकि शायद सामने वाले को मीनिंग ना पता हो. लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी ओपिनियन शेयर करने के बारे में, ये चीज़ ऐसी हैं कि उसका मीनिंग सबको समझ में आएगा. ठीक है, चाहे वो नेटिव स्पीकर हो या फिर आपका नॉर्मल कोई कैजुअल फ्रेंड हो, इसका मीनिंग सबको समझ में आएगा. सिर्फ नॉर्मल ही चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा उन चीज़ों को और अच्छा बना के वो चीज़ सामने रखी जाएगी और आपके पास ऑप्शंस होते हैं आई थिंक के अलावा अलग अलग बोलने के लिए. तो मैं आपको 12 ऐसे तरीके बताऊंगा, 12 ऐसी लाइंस बताऊंगा, वो मैंने आपके लिए लिख के रखी हुई हैं कि वो आप यूज़ कर सकते हैं वेन एवर यू आर सपोज टू शेयर योर ओपिनियन, योर पॉइंट ऑफ व्यूज. सो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंशिएशंस और बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो ओपिनियन का मैंने आपको बताया कि ओपिनियन होता है अपनी कहीं भी राय को देना, कि कोई अगर बात चल रही है और आप किसी पॉइंट से एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं, दैट्स योर कॉल, बट यू आर गोइंग टू शेयर योर ओपिनियन. तो उस चीज़ को आपको कैसे रखना है, पहला तरीका आपको बताता हूँ. आई मे बी रॉन्ग बट, ठीक है, यहाँ से आपको अगर शुरू करते हैं कुछ, तो यहाँ पे एक ये बहुत ही फॉर्मल तरीका हो गया कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा. आप पहले ही बोल रहे हो मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग बट, अब उसके आगे आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं. कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि ये पार्टी अच्छी है, मतलब पार्टी ए और पार्टी बी, और सामने वाला पार्टी ए की बात कर रहा है, उसको अच्छा बोल रहा है, तो आप वहाँ पे सिंपली बोल सकते हो आई मे बी रॉन्ग बट पार्टी बी इज ऑल्सो डूइंग गुड. ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका. दूसरा तरीका है इफ़ यू आस्क मी, ठीक, कि अगर मैं वो पार्टी ए की तारीफ कर रहा है और मैं पार्टी बी को भी अच्छा मानता हूँ, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ बोलूँगा कि इफ़ यू आस्क मी हाउ पार्टी बी इज डूइंग, सो अकॉर्डिंग टू मी दैट दिस पार्टी इज डूइंग गुड. ठीक है, दे आर नॉट डूइंग बैड. आप इस तरह से अपने जो ओपिनियन है उसको शेयर कर सकते हो. तीसरा तरीका है नॉर्मल, जो मैंने पहले बताया, आई थिंक दैट, ये तो बिल्कुल कॉमन है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे हिसाब से आई थिंक दैट, मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट पर्सनली आई डोंट थिंक दैट पार्टी बी इज डूइंग बैड. ठीक, पर्सनली जब भी मैंने बोल दिया तो मतलब कि यार सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, या फिर पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो ये भी एक बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही अच्छा तरीका है कि पर्सनली पार्टी ए इज डूइंग गुड बट आई डोंट थिंक, या फिर पर्सनली पार्टी बी इज नॉट डूइंग बैड. ठीक, नेक्स्ट है आई वुड से दैट, मैं ये कहना चाहूंगा या फिर मैं ये कहता हूँ इस तरीके से, आई वुड से दैट, मैं ये कहूंगा कि पार्टी बी इज ऑल्सो डूइंग गुड. I would say that he is not a bad person. I would say that we are not friends. ठीक, तो मैं यहाँ पे अपनी opinion दे रहा हूँ. I would say, मैं ऐसा कहूँगा. Next, ये भी एक बहुत अच्छा है. As far as I am concerned, जहाँ तक मेरी बात है, as far as I am concerned, ठीक, एक formal तरीके में ही ये आएगा. Normally हम friends के साथ ये
यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक ऑफिशियल कोई फॉर्मल बात अगर चल रही है तो वहां पे आप इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है एज फार एज आई एम कंसर्न, पार्टी बी इज डूइंग गुड एज फार एज आई एम कंसर्न, वी शुड नॉट डू दिस और वी शुड नॉट डू दैट, ठीक है कुछ भी। नेक्स्ट इज माई ओपिनियन इज, मेरी राय यह है, माई ओपिनियन इज that we should give some time, कि हमें थोड़ा time देना चाहिए। My opinion is India will win, my opinion is they are not going to do that, ठीक, my opinion is, मेरी राय ये है। Next है in my view, अब in my view का मतलब क्या होता है, मेरे नजरिए में, view का मतलब होता है नजरिया, जैसे point of view भी बोल सकते हैं कि मेरा जो point of view है वो ये है, तो view का भी मतलब एक नजरिए के तौर पे यहाँ पे बोला गया है, in my view, मेरी नजर में, मेरे नजरिए से, ठीक है। इन माई व्यू दे आर नॉट बैड, इन माई व्यू दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, इन योर व्यू दे माइट बी बैड, ठीक है, तुम्हारे नजर से या तुम्हारे नजरिए से वो गलत हो सकते हैं, बट इन माई व्यू दे आर नॉट बैड। नेक्स्ट देखते हैं, आई फील दैट, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आई फील दैट कि दे विल बी डूइंग गुड इन फ्यूचर, आई फील दैट वी शुड गिव अ चांस, आई फील दैट आई कैन क्लियर दिस इंटरव्यू, ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है, वैसा महसूस करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, आई एग्री विथ, ठीक, अब यहाँ पे आप एग्री कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि पार्टी बी है वो अच्छी है, पार्टी ए है वो खराब है, या फिर वाइस वर्सा, पार्टी ए है वो अच्छी है, पार्टी बी है वो खराब है, मैं बोल रहा हूँ आई एग्री विथ दिस, ठीक है, कि मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, आई एग्री विथ, मैं सहमत हूँ इससे। नेक्स्ट है डोंट यू थिंक, ठीक, अब ये अपनी ओपिनियन को रखने का एक बहुत ही कैजुअल भी हो सकता है, इसको आप फॉर्मल में भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके से आ जाएगा। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, डोंट यू थिंक दैट दिस पार्टी इज ऑल्सो डूइंग गुड, डोंट यू थिंक दे डिड वेल, डोंट यू थिंक दे हैव अ विजन, दे हैव अ प्लान इन फॉर फ्यूचर, ठीक है। और लास्ट, आई मे बी रॉन्ग बट ये मैंने स्टार्ट में बताई दिया था, तो ये है 12 तरीके। अब अपनी ओपिनियन को आप सिर्फ एक तरीके से मत बोलिएगा कि आई थिंक, ठीक है, दैट्स बिट आउटडेटेड, कि उसको थोड़ा आप साइड में रख दीजिए, कुछ नई चीज़ें भी लेकर आइए, इन माई व्यू एज फार एज आई एम कंसर्न, ठीक है, डोंट यू थिंक, आई एग्री विद, इन माई ओपिनियन, सो स्टार्ट यूजिंग दीज थिंग्स इन योर नॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक। पहले ही मैंने आपको बताया है, इफ़ यू एड सम स्मॉल थिंग्स इन योर डेली कन्वर्सेशन, दोज थिंग्स विल बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और ग्रेजुअली आपको थोड़े टाइम के बाद बिना कुछ सोचे, बिना इंटेंशनली उनको लाए ही वो आपकी कन्वर्सेशन में ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड देन यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, दैट्स नॉट क्वाइट हार्ड, ओके। इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आई ऑलवेज से दिस, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, टेक इट एज अ लैंग्वेज, डोंट रन बिहाइंड दीज थिंग्स, बस आप उसमें वेरिएशन रखिए, यू शुड बी नोइंग द रीजन वाई दिस सेंटेंस इज बींग मेड, वॉट इज द स्ट्रक्चर। तो यही चीज़ें हैं, यही मुझे बताना था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, फील फ्री टू कॉमेंट, कॉमेंट बॉक्स इज देयर, थैंक यू।